मैंने कार्बन भारत K1 मोबाइल फ़ोन अमेज़ोन से लिया है। ये 999 रुपये मुझे पड़ी थी अमेज़ोन से, और इसमें दो वेरिएंट आता है। एक में लिखी हुई आएगी कि सिम कार्ड के साथ चाहिए, और एक में बिना सिम कार्ड के मुझे भेज दी गई थी। तो मुझे पहले पता नहीं था, आने के बाद मुझे पता चला कि ये सिम कार्ड वाली भी वहाँ टिक करनी पड़ती है जो आप परचेस पेज खरीदेंगे वहाँ पर। तो ये फिलहाल मेरे पास आ चुका है दोस्तों, इसका मैं रिव्यू करूँगा आपको। तो सबसे पहले ये जो मोबाइल आया है इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो आप देख लो। जियो सिनेमा सावन, HD कॉल जो कॉलिंग करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें दी गई हैं। वायरलेस है, SD कार्ड लगेगा और टॉर्च भी है, ठीक है। तो ये ऊपर में टॉर्च दी गई है, ऊपर वाला बटन दबा के रखेंगे तो टॉर्च जल जाएगी। ओवरऑल इस तरह से दिखता है। मैंने अभी इसके अंदर अपने स्मार्टफोन का लगाया हुआ सिम कार्ड, तो स्मार्टफोन का सिम कार्ड लगाने के बाद इसमें सारा TV वगैरह सब कुछ चल रहा है। कॉलिंग वगैरह अभी फिलहाल जा रहा है, लेकिन आपको इसके आगे आपको इसी का रिचार्ज करना पड़ेगा। इसका रिचार्ज सेपरेट आता है, तो वो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा तभी ये चलेगा, इसमें काम करेगा। थोड़े टाइम के बाद इशू देते रहेगा, क्योंकि बीच बीच में मैं इसके TV चलाता हूँ, Jio TV, तो बंद हो जाता है, मुझे ऑफ करके ऑन करना पड़ता है, फिर ये दोबारा से चलने लगता है। तो ये सब चीज़ें इशू आएंगी आपको। दूसरी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे दिक्कत हो रही थी वो ये हो रही थी कि ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जा रहा था। तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है फिलहाल इस मोबाइल में। देख सकते हैं यहाँ पर TV चल रही है, बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं इसमें, यूट्यूब नहीं चलेगा। तो स्विच ऑफ को मैंने क्या किया, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा था, स्क्रीन ऑफ हो जा रहा, पीछे बैकग्राउंड में TV चलते रह रहा है। तो ऑटोमेटिकली ऑफ करने के लिए मैंने क्या किया, इसको खोल करके इसके पीछे मैंने कागज लगा के टाइट कर दिया बैटरी को, ठीक है। तो बैटरी एक बार टाइट हो जाएगी तो चलाते चलाते जो ऑफ होने की है वो फिलहाल मुझे रात से एक दिन हो गया है, तब से नहीं आ रही दिक्कत। दिक्कत और है कि आप अगर TV वगैरह चला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो है सो ये स्क्रीन की लाइट चली जाती है, बैकग्राउंड प्ले होते रहती है। उसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद स्क्रीन ब्राइटनेस है, यहाँ पे टाइम आउट नेवर कर दीजिए, कीपैड नेवर कर दीजिए, और इसका कीपैड एक तरह से बंद कर दीजिए, जो की लॉक है इसका। तो वो बंद हो जाने के बाद आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो ये दिक्कत देते रहेगी, जैसे कि ऑफ हो जाता है। कुछ शॉर्टकट्स की वगैरह है दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देख सकते हैं, फोन सेटिंग में जाओ, आप लैंग्वेज वगैरह सेटिंग कर सकते हैं। जो की गार्ड है इसको मैंने बंद कर दिया है, नहीं तो बार बार ये ऑफ हो जा रहा था। यहाँ ऐसे क्लिक करेंगे बीच वाला तो ऑन हो जाएगा, बीच वाले से ऑफ हो जाएगा, उसको करके आप इसको बैक हो जाइए और नॉर्मल फोन की तरह यूज़ कीजिए। हाँ, इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, सबसे बड़ा इश्यूज़ तो वही है, ऑफ हो जा रहा था। कनेक्टिविटी की बात करें तो अच्छे से वॉइस कॉल चली जा रही है, अच्छे से बात हो पा रही है, नेटवर्क रिसेप्शन भी ठीक है। यहाँ पे मैं इससे बात करता हूँ तो आराम से चली जाती है वॉइस अगले को, और मेरे को भी अच्छे से सुनाई देती है इसके स्पीकर में। इसमें कोई इशू नहीं है मेरे वाले सेट में। और अभी फिलहाल वही दिक्कत आ रही थी कि ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रही थी, और इसकी ये स्क्रीन लाइट ऑफ हो जा रही थी, तो वो मैंने डिस्प्ले सेटिंग में जा करके इसको हटा दिया है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल ये क्विक रिव्यू था, अब मैं दिखा देता हूँ खोल के कि आपको मैंने किस तरह से सेट किया था इसके बैटरी में, जो कि बैटरी टाइट कर दिया हूँ। मेरे को लगता है कुछ ढीला है हैंडसेट में ही, इस कारण से बार बार ऑफ हो जाती है। ऑनलाइन जब मैंने मंगाया था 7 दिन तक ये ठीक चला, 7 दिन के बाद मुझे प्रॉब्लम आने लगी ऑटोमेटिकली ऑफ होने की। तो ये मैं एक बार सर्विस सेंटर विजिट कर गया था, उन्होंने कहा कि हाँ ये जो है सॉफ्टवेयर से इशू है, पर फिर से वापस से जैसे ही आए हैं 24 घंटे के बाद फिर होने लगा ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ। तो मैंने रिसेट वगैरह करके सब कुछ देख लिया, थक गया, हार गया, कुछ नहीं फायदा है। मैंने क्या किया है, इसके पीछे देख सकते हो एक पेपर का टुकड़ा लिया हूँ और थोड़ा सा टाइट कर दिया हूँ इसको, और तब से मैं जो टाइट किया हूँ तब से 1 दिन हो चुका है अभी तक, और 1 दिन से मैं आराम से इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से अभी टाइट कर सकते हैं इसकी बैटरी को और यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपको भी इस तरह के ऑटोमेटिकली ऑफ होने की दिक्कत आ रही है तो बैटरी चेक करा लीजिए, बैटरी की कभी कभी एफिशिएंसी कम हो जाती है तो उस कारण से भी दिक्कत आ रही होगी, बैटरी ज़्यादा चार्ज नहीं हो पा रही होगी।